नमस्कार। आज हम क्लास 11th और 10th के लिए केमिस्ट्री में कंपाउंड किस प्रकार से बनते हैं उसमें हम सेकंड ग्रुप लेंगे। आज सेकंड ग्रुप में आप देख रहे हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं। तो ये किस प्रकार से जो है समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन या सल्फर से संयोग करके और किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकंड ग्रुप में बेरिलियम एलिमेंट है, बेरिलियम तत्व है, ये किस प्रकार से ऑक्सीजन से संयोग करके और यौगिक बनाएगा। तो यहाँ पर बेरिलियम जो है दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बेरिलियम धनायन बनाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन उन दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से बेरिलियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन बनाता है और ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयन से संयोग करेगा और इस प्रकार से जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक बन जाएगा। अगला एलिमेंट आप देख रहे हैं कैल्शियम, यह भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, कैल्शियम आयन बना रहा है और ये इस प्रकार से ऑक्साइड आयन से संयोग करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको ये शो करती है कि हम इस एक्टिविटी के माध्यम से किस प्रकार से कंपाउंड फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी प्रकार स्ट्रॉन्शियम जो है ऑक्सीजन से संयोग करेगा और इस प्रकार से स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड जो है कंपाउंड बनेगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से बेरियम बेरियम आयन बनाएगा जो ऑक्सीजन के ऑक्साइड आयन से संयोग करके बेरियम ऑक्साइड यौगिक बना लेगा। हालांकि रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है लेकिन यदि रेडियम जो है रेडियम ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो रेडियम ऑक्साइड इस प्रकार का आयन बनेगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ग्रुप सेकंड यानी समूह सेकंड के जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करके किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं।